2022 मिशन विधानसभा को लेकर लगातार हम गांव-गांव और शहर-शहर से जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं मेरठ से 12 किलोमीटर दूर सिवाया गांव में, जहां हम जा रहे थे और देखा तो यहां एक चौपाल बनी हुई थी। लोगों की चर्चाओं पर विधानसभा चुनाव को लेकर ही लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यहीं से क्यों ना इस विधानसभा चर्चा की बातचीत की जाए। यहाँ लोग बाग काफ़ी मौजूद हैं और जानते हैं इनसे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है और किस तरीके का यह मुख्यमंत्री इस बार चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, 2022 चुनाव नज़दीक है, 2022 चुनाव को लेकर क्या माहौल है गाँव में, किस तरीके का चर्चा है चल रही? गाँव में माहौल तो यही है कि भाई अब कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, कि इस सरकार से तंग आ गए हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से सब परेशान है भाई। जो जनता को, जैसे केजरीवाल जी हैं, अपने जनता में वहाँ शिक्षा, पानी, हर चीज़, जो ये है क्या नाम है तुम्हारी, कोई इमरजेंसी जैसे किसी बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए सुविधा हो, ऐसी सरकार चाहते हैं। कूड़ा हटना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए, ऐसा विधायक होना चाहिए। और जैसे आप बता रहे हो ना, जैसे वो हमारे वेद प्रकाश जी है, भड़क गए थे आप, ये जनता की अंदर की आग है। मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी, 2022 चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है किस तरीके का माहौल है गांव में? माहौल तो ठीक नहीं है, महंगाई, जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। गैस सिलेंडर 900 रुपये का मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर से कम, किलो से कम नहीं, बताओ। एक राशन से ही थोड़ा काम ना चल रहा, कि राशन ही पब्लिक खाएगी, कोई ना सुनता। जो चुनाव जीत के चला जाए, चलाए जाओ। संगी सोम विधायक है दो बार से, उन्हें ये कूड़ा नहीं दिख रहा, कई साल से कूड़ा ये सड़क पर पड़ा, मच्छरों का प्रकोप हो रहा, बदबू आ रही है, तो बताओ क्या कहाँ से। यानी कि आपके गांव में काफ़ी समस्या है? काफ़ी समस्या है। हाँ, विनोद कुमार, जो समाज में गरीबों की कुछ सुनवाई कर लें। क्या लगता है कौन सा मुख्यमंत्री गरीबों की सुनवाई कर सकता है? हमारे तो बहन जी सुना थी, बच्चों को वजीफा मिल जाता, वजीफा नहीं मिलता, ना राशन कार्ड बना हुआ, राशन मिल जाए, चावल मिल जाए, खा रहे पी रहे। प्रताप सिंह जाटव, मैं तो भाजपा का समर्थक हूँ जी, साफ सी बात है। रामपाल सिंह, देखो इस बात को हम नहीं कह सकते, आदमी ऐसा होना चाहिए जो जनता की सुने। इन अधिकारियों पर उनका कुछ कंट्रोल हो, जनता के पास आए, अपना पेट ना भरें। आज हिंदुस्तान की राजनीति अंग्रेजी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति है।